हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। वकालत की शुरुआत कैसे करें, शुरू के दिनों में वकालत में कितनी दिक्कतें आती हैं दोस्तों, एक नए वकील को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर स्वतंत्र प्रैक्टिस यानी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की तरफ आप कदम बढ़ाते हो तो आपको किन किन समस्याओं से आगे बढ़ते हुए खुद को वकालत की दुनिया में स्थापित करना होगा दोस्तों, इसे समझना बहुत जरूरी है। आप अगर शुरुआती दौर में हो तो आपके साथ जो पहली दिक्कत आती है कि कोर्ट की प्रक्रिया को समझना है, कोर्ट में कैसे क्या कार्रवाई चलती है इन चीजों को जानना है, उसके लिए आपके पास अपनी फाइल नहीं होती, अपने केस नहीं होते दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप एसोसिएशन क्रिएट करें अदालत में, जो और वकील हैं उनमें बहुत सारे अच्छे वकील होते हैं, उनसे बात करें, उनके साथ समय दें, उनके साथ बैठें और एसोसिएशन क्रिएट करें, उनको आप कम्युनिकेट करें, उनको बताएं कि सर अगर कोई काम हो तो आप मुझे कोर्ट में भेज सकते हो, या फिर वो अगर अदालत में अपने केस में जा रहे हो तो उनके साथ आप जाएं। दोस्तों ये एक तरीका है एसोसिएशन क्रिएट करने का, अधिक से अधिक जो वकील हैं उनके साथ आप मिलें और एसोसिएशन क्रिएट करें। दूसरी बात है, आप अपना समय, अगर खाली वक्त है कोर्ट में आपके अदालत परिसर में आपके पास काम नहीं है, उस वक्त आप खाली ना बैठें, आप कोर्ट रूम में जाएं। अगर वो कोर्ट का वक्त है तो दूसरे वकीलों को आप सुने कि वो कैसे बहस करते हैं, किस बेल पर कैसे बहस हो रही है, कैसे अपने मुद्दों को वो रखते हैं, तो कोर्ट रूम में वक्त दें। कोर्ट रूम और अदालत अपने आप में एक बहुत बड़ा शिक्षक है दोस्तों। आप एक घंटे में आपको ये एहसास हो जाएगा कि कितने तरीके के अलग अलग परफॉर्मेंस कोर्ट में वकील दे रहे हैं। किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, किसी का अंदाज होता है, आप इन चीजों को देखते हो, आप समझने की कोशिश करते हो और जज साहब कैसे काउंटर करते हैं और उस काउंटर को फिर एडवोकेट कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इन चीजों की जानकारी होती है दोस्तों। ये शुरुआती वकालत में बहुत जरूरी है, बाद में एक्सपीरियंस होने पे आपको शायद इसकी जरूरत ना पड़े, तो आप कोर्ट रूम में वक्त दें दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं कि क्लाइंट कैसे आएंगे आपके शुरुआती दौर में, जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि केस कैसे आएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि केस बहुत तरीके के होते हैं, बहुत मामले हैं, बहुत सारे एक्ट हैं, सब पे प्रावधान है, तो आपको किसी भी तरीके का केस अगर मिलता है, किसी भी तरीके की कोई भी आपको जिम्मेवारी दी जाती है, तो उसे बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही अच्छे से आप करो। ये नहीं सोचना कि ये काम छोटा है या बड़ा है, छोटे केस में भी आप उसकी फिलॉसफी को समझो, उसके सेक्शन को समझो। इवन कुछ लोग चालान जैसे केस में जिसपे की फाइन सिर्फ जमा कर दिए जाते हैं, उसके अगर उनको ये काम भी मिल जाए तो उसमें भी उस सेक्शन को आप पढ़ो, उसके जजमेंट्स को पढ़ो, उससे रिलेटेड जो रिसर्च है, जो फिलॉसफी है, उनकी जानकारी को आप डेवलप करो। जो चेक बाउंस के केस है, एमएससीटी के केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं दोस्तों जो अगर छोटे या बड़े कुछ भी हो सकते हैं, आपको बहुत शिद्दत से अच्छे से वो काम करनी है और उसके जो लॉ जिस उसमें इन्वॉल्व है, जो सेक्शन इन्वॉल्व है, उनको पढ़ना है। मैं बता दूं दोस्तों, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, शुरुआती दौर में आपको बस काम होना चाहिए और उस काम की गहराई में आप जाएं। और नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करूं दोस्तों कि आप जब वकालत की शुरुआत करते हो तो आपको अगर किसी ने एक वर्क दे दिया कि भाई कल आपको इसके कोर्ट में हाजिर होकर उनको टाइम लेना है या अगली तारीख लेनी है या ये एप्लीकेशन फाइल कर देनी है, जज साहब को देनी है, आपको अगर कोई भी असाइनमेंट हो, चाहे वो खुद का असाइनमेंट हो या आपने जो एसोसिएशन क्रिएट किया है, किसी ने आपको असाइंड कर दिए काम, और अगर आपने जिम्मेवारी ले ली तो दोस्तों बिल्कुल टाइम से कोर्ट में पहुंचे। आप अगर 10 बजे अदालत की शुरुआत होती है तो आप कोर्ट रूम में 9:30 में ही पहुंचे, आधे घंटे का समय मार्जिन लेकर पहुंचे दोस्तों। आप अपनी जो फाइल है उसे बैठकर पढ़ें, कोर्ट रूम में भी जब आपकी आवाज लगने वाली होती है उससे पहले काफी वक्त होता है, आप कोर्ट रूम में बैठकर अपनी फाइल पे बिल्कुल कंसंट्रेट करें, अपने फाइल के फैक्ट्स को जानें। ये आपको किसी ने काम साइंड कर दिया, जो एप्लीकेशन दे दी गई, तो लोग रूटीन वर्क की तरह जाकर कोर्ट में बैठ जाते हैं, वो एप्लीकेशन फाइल कर दी, उनसे जब पूछा जाता है कि आपने क्या फाइल करा है, वो कहते हैं बस दिया था उन्होंने, ये फाइल कर दो। दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है दोस्तों। आप अगर वकालत की शुरुआत करते हो, आपके पास कोई भी काम है, कोई भी फाइल आती है, तो आप उस फाइल के अंदर जानो, समझो कि आप किस स्टेज में कोर्ट में खड़े हो, किस काम के लिए खड़े हो, किस एप्लीकेशन को मूव किया जा रहा है, उस एप्लीकेशन को
के अंदर क्या बनाया गया, क्या तथ्य डाले गए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं दोस्तों। अब नेक्स्ट आते हैं ड्राफ्टिंग कि भाई आप अगर नई वकालत शुरू करते हो तो आपके पास फॉर्मेट कहां से आएंगे, ड्राफ्ट कैसे आएंगे, आपको कोई काम मिल गया तो आप उसे ड्राफ्ट कैसे करोगे दोस्तों। ये है, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग को, केसेस के फॉर्मेट होते हैं वो। हर कोर्ट में टाइपिस्ट होते हैं, कंप्यूटर के साथ बैठे होते हैं, उनके पास बहुत सारे फॉर्मेट जो हैं सेव होते हैं। आप उनसे प्यार से बात करो, उनसे अच्छे से बिहेव करो, उनके साथ आप अच्छे रिलेशन बनाओ दोस्तों। हो सके तो वो पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, कुछ पैसे देकर भी उनको बोलो कि मैं इस वकालत में नया हूं, मुझे कुछ इन मामलों पर ये फॉर्मेट चाहिए, उनके पास फॉर्मेट होते हैं, वो आपको दे देंगे दोस्तों। इस तरीके से फॉर्मेट का, शुरुआती वकालत में जो फॉर्मेट की समस्या है वो इंटरनेट पर भी बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट से वकालत नहीं करनी है सिर्फ। फॉर्मेट एक सहूलियत है, एक जानकारी है दोस्तों, एक प्रेयर का अंदाज पता चलता है, लेकिन बीच की जो कहानी होती है वो आप बनाते हो। तो आप एक ड्राफ्टिंग स्किल को ऑलवेज बढ़ाओ, अपनी कहानी को आप ऑलवेज लिखने की कोशिश करो। फॉर्मेट बस एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये कैसे जाएगा, इसका प्रार्थना कैसे होगा, बाद में आप सब कुछ समझ जाते हो दोस्तों। तो ये एक तरीका है। अब मैं बताऊं दोस्तों कि इसके बाद अगर वकालत के जो नेक्स्ट स्टेज है कि आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। अब कोर्ट में आपने अगर अपनी वकालत की शुरुआत की है तो आपको चैम्बर नहीं होता, आपको बैठने की जगह नहीं होती, और आप क्लाइंट कहां डील करोगे ये नहीं होता दोस्तों। तो इसके दो तरीके हैं, या तो अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप किराए पे भी चैम्बर ले सकते हो, किसी के साथ पार्टनर बनकर मैनेज कर सकते हो कि भाई उनको आप इतने मंथली पैसे दे दोगे, या फिर किसी के साथ एसोसिएट बनकर भी चैम्बर को मैनेज किया जाता है कि आप सर मुझे अपने चैम्बर में थोड़े बहुत मेरे क्लाइंट होंगे, मैं शुरुआती दौर में हूं, आपके केसेस को भी आप जैसे मुझे कुछ काम दोगे मैं वो फ्री में कर दूंगा, और आपके साथ जुड़कर आपके चैम्बर को यूज करते हुए दो चार क्लाइंट मैं अपना खुद डील कर लूंगा। इस तरीके से किसी के साथ चैम्बर में जुड़कर एसोसिएट की तरह भी काम किया जा सकता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है मैं बता दूं। इसके बाद बात करूं कि आपके पास अगर कोई भी ऐसे काम आ गए, अगर किस उस काम को करना है और आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आज के समय में जानकारी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, इंटरनेट पे बहुत सी जानकारी है, यूट्यूब पे जानकारियां हैं दोस्तों, गूगल में सर्च में जानकारियां हैं, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको उस टॉपिक पे, तो ये रिसर्च की के लिए आज यंग वकील सबसे कंफर्टेबल, सबसे आराम वाली सिचुएशन में है। कल आप सोचो ये सारे जब तरीके नहीं थे तो एक नए वकील को कितनी दिक्कत होती थी, और एज ए जूनियर उन्हें 7-7 साल 5-5 साल तक किसी सीनियर के अंडर में रहना होता था, ऐसा लगता था ज्ञान किसी सीनियर के चैम्बर में बंद पड़ा है। आज ज्ञान अवेलेबल है दोस्तों, नॉलेज हर तरफ है, उसको सर्च करने की जरूरत है। उसके बाद उससे रिलेटेड आपने जो एसोसिएशन क्रिएट किया हुआ है, लोगों से डिस्कस करें कि इस मामले पे क्या हो सकता है, दो तीन तरीके से उसको समझने के बाद आप उस पे एक्ट करें, उस पे कार्रवाई करें, और साथ ही साथ कभी कभी कोर्ट भी आपको आपको गाइड कर देगी। मैं बता दूं दोस्तों, जज भी कभी कभी उनको लगता है कि जूनियर अगर काम कर रहे हैं तो उनको गाइड कर देते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों कि नेक्स्ट पॉइंट की, कि कभी भी कोर्ट को, अदालत को फेस करते वक्त आप बिल्कुल हम्बल हों। जजेस एक तरीके से वो एक टेंपल है, उस टेंपल में वो कहीं ना कहीं उस मंदिर के देवता बैठे हैं, उनको इज्जत देनी है, उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है, और अपनी गलती को, चूंकि आप शुरुआती वकालत में हो तो आप अपनी कोई गलती भूल हो रही है तो आप बिल्कुल उसे एडमिट करें कि सर ये मेरी शुरुआती वकालत है तो थोड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, अगर मैं ये ना करूं तो मैं सीखूंगा कैसे। ऐसे भी लोग बोल देते हैं कि सर मैं फिर कैसे सीखूंगा, जज भी हंसने लगते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक भूल को एडमिट कर लेना शुरुआती दौर में कोई भी गलत नहीं है दोस्तों, आपके वकालत को ये और तेज करेगा, जजेज आपको समझेंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि वकालत में जिसने निर्णय ले लिया कि मुझे यहीं रुकना है, इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है, उसके साथ दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं दोस्तों, कि शुरू के दौर में पैसे कैसे आएंगे,
आखिर मनी का फ्लो, पैसे का फ्लो कैसे होगा, क्योंकि क्लाइंट नहीं है तो पैसे नहीं है। तो दोस्तों कुछ जो आपको डेट्स पर भेजते हैं वो कुछ पैसे दे देते हैं, अगर गुड वकील हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई कि आप उनको अनबर्डन कर रहे हैं, उनके काम में आप पहुंचते हो, उनकी डेट्स को आप मैनेज कर रहे हो, तो वो भी कुछ आपको दे देंगे। कुछ रह गई बात कि पैसे डिफॉल्ट आते हैं, फिर क्लाइंट भी बनेंगे। आपने अगर आजादी का रास्ता चुना है, आपने स्वतंत्र वकालत का रास्ते पर आप हो, तो क्लाइंट भी बनेंगे। दोस्तों करना क्या है कि एडवोकेट्स के बीच भी आपको उनके काम को लेना है, साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर आप एक्टिव रहें। आप फेसबुक पे जो सोशल मीडिया है वहां भी अपने परफॉर्मेंस को आप दिखाएं, वहां अपने को रिप्रेजेंट करें, आपने कौन सा काम किया, किस काम में क्या रिजल्ट आया, इन चीजों को आप लिखें बताएं। ये है एक तरीके से अपने नॉलेज का प्रचार प्रसार करना। अब डायरेक्ट कोई बिजनेस नहीं है वकालत, मैं आपको बता दूं, तो आप अपने ज्ञान को बताते हो। इस तरीके से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें दोस्तों, आप समाज में एक्टिव रहें, और साथ ही साथ मैं एक चीज आपको क्लियर बताऊं कि अपने लोग बहुत बाद में किसी को पहचान देते हैं। आपके जानने वाले लोग आपको वकालत आप शुरू करते हो तो आप यह बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहां से केस आ जाएंगे। शुरुआती दौर में कुछ केस आ सकते हैं, लेकिन आपको अब बाहर अपनी पहचान बनानी होगी, कोर्ट में अपनी पहचान बनानी होगी दोस्तों। इसलिए बहुत ज्यादा अपने समाज में लोग जो लोग ये सजेशन देते हैं कि आप अपने समाज में मिलो, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। अब लास्टली मैं बता दूं दोस्तों कि वकालत की शुरुआत कहां से करें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे करें। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, कोई भी काम छोटा नहीं होता वकालत में, उसमें भी चाहे छोटे काम में भी सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, एक्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई उसमें भी गहराई खोज ले तो उसे वो गहराई मिलेगी दोस्तों। उसी तरीके से कोई भी कोर्ट छोटा और बड़ा नहीं होता। समवेयर देयर इज प्रॉब्लम देयर इज सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो लड़ाई है। तो दोस्तों ये आपके इंटरेस्ट की बात है, आपको लगता है कि नहीं आपको शुरुआती वकालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करनी चाहिए, तो आपका मैं ये मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमीन आपकी मजबूत होती है। लेकिन जो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे की चीजों को नहीं समझ पाते, क्योंकि नीचे की जितनी कार्रवाई हुई है उनके कागज वहां ऊपर लग जाते हैं, तभी वो फाइल इतनी मोटी हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से नीचे की प्रक्रिया को पर बैठा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो उनको समझ लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट नॉलेज जब आप नीचे संघर्ष करते हो तो वो एक अलग ही एक चमक है, नीचे के संघर्ष की एक अलग चमक है। और ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको जैसे जैसे जो फीलिंग आती है कि नहीं अब आपको ऊपर काम करना है, तो किसी ने रोका हुआ नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ टाइम काम करने के बाद हाई कोर्ट में शिफ्ट करें, कुछ टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट आप शिफ्ट कर सकते हो, ये आपकी आजादी है दोस्तों। इसीलिए बहुत लोग वकालत का रास्ता चुनते हैं, वकालत के संघर्ष का सामना करते हैं, कि एक समय आता है जब आपका माइंड विकसित हो जाता है, आप प्रक्रियाओं में एक्सपर्ट हो जाते हो, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जगह आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हर जगह आप अपीयर होने लगते हो, तो आप डिफरेंट एक्सपोजर लेने की कोशिश करें। ट्रिब्यूनल्स में कहीं भी कोई भी काम हो, सभी तरीके के काम करें दोस्तों, किसी काम को मना ना करें। एज ए न्यू प्रैक्टिशनर आप उस काम को समझने की कोशिश करें। और लास्टली मैं बता दूं दोस्तों कि आपके छोटे छोटे किए हुए काम भी बड़े बनकर आ जाएंगे आपके पास। आपने किसी का छोटा काम किया हुआ है दोस्तों, तो बाद में उस काम को करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है क्लाइंट, तो वो कभी भी किसी बड़े काम के लिए आपको याद कर सकता है, क्योंकि उसे एहसास है कि आपने उसके काम को बहुत बखूबी अच्छे से किया हुआ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये सारे कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण के बिंदु थे, टिप्स थे, जो आपके काम आ सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में दोस्तों। बाय।